हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओलिम ट्रेड के एडवाइजरी फीचर में DMACD प्रोफेशनल की स्ट्रैटेजी के बारे में। ऑफकोर्स $1000 की ट्रेड हम जरूर लेंगे, लेकिन उस ट्रेड के बेसिस पे हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि हमें MACD प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्रो एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, जो कि होने वाले हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। काफी ज्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं, यानी बहुत लंबा गैप हो गया है, 6 से 7 दिन तक कोई वीडियो नहीं अपलोड किया है। तो बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद ये वीडियो लेके आया हूं, जहां पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मैंने ये स्ट्रैटेजी लगातार 6 से 7 दिन तक यूज की है और मुझे क्या अच्छी बातें लगी इस स्ट्रैटेजी को लेकर और क्या बेकार बातें लगी, मतलब कुछ बातें जो मुझे काफी पसंद नहीं आई है, वो सारी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। और एक और चीज बता देता हूं, अगर आप बेसिक लेवल पे हो, अगर आप स्टार्टर लेवल पे हो, तो आपके अकाउंट में MACD प्रोफेशनल नहीं शो करेगा। तो जो शो करेगा वो करेगा द मूविंग एवरेज, मतलब आपके एडवाइजरी ऑप्शन में। तो MACD प्रोफेशनल का आप यूज कर सकते हो जब आपका जो अकाउंट है वो अपग्रेडेड होगा एक्सपर्ट स्टेटस के साथ, ठीक है। मतलब अगर आपका स्टेटस है वो स्टार्टर है तो आप स्ट्रेटजी को नहीं यूज कर पाओगे, तब आप कर पाओगे द मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी, जिसके ऊपर भी मैंने वीडियो जो है वो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। भाई पूरी टेस्टिंग की हुई है, पूरी आपके सामने है कि भाई यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और अब बात कर लेते हैं MACD प्रोफेशनल के बारे में, तो उसके ऊपर ये पूरी की पूरी वीडियो होने वाली है। सो गाइज, अगर आपके अकाउंट में $2000 का इन्वेस्टमेंट है या आप सोच रहे हैं $2000 का इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको जो स्टेटस है वो मिलने वाला है एक्सपर्ट लेवल का। एक्सपर्ट लेवल के स्टेटस के साथ काफी ज्यादा फायदे हो जाते हैं, लेकिन यहां पर आपको मिल जाती है द प्रोफेशनल MACD प्रोफेशनल स्ट्रेटजी। भाई तो ये जो स्ट्रेटजी है ये आपके पास अगर है तो आपको यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मतलब वर्थ रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर अगर आप सोच रहे हैं $2000 का इन्वेस्टमेंट करने के लिए और सोच रहे हैं कि भाई MACD प्रोफेशनल स्ट्रेटजी में यूज करूंगा, तो आपको $2000 इन्वेस्ट करने चाहिए इस स्ट्रेटजी के लिए या नहीं करने चाहिए, मतलब वर्थ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो चीजें भी काफी सारे डाउट्स आपके इस वीडियो के अंदर क्लियर होने वाले, मतलब काफी सारे क्या सारे ही डाउट्स रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं इस स्ट्रेटजी को लेके। और अभी हम ट्रेड लेंगे $1000 की और सिग्नल्स का वेट कर लेते हैं। ड्यूरिंग द सिग्नल, मतलब सिग्नल मिलने के बाद जो 2 मिनट होंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें इस स्ट्रेटजी को लेकर। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता देता हूं, भाई लाइक कॉमेंट एंड शेयर नहीं किया है तो यार वीडियो देखने के बाद कर देना, लेकिन कर देना। और एक और चीज भाई, अगर चैनल फर्स्ट टाइम हो और क्रिप्टो फिक्स टाइम ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको इसी एक चैनल में मिलने वाली है, तो मेक श्योर कि बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमें सिग्नल मिल चुका है डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए 2 मिनट्स के लिए। तो मैंने इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी सेट की हुई है $1000 की और मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है। ऑफकोर्स यार इस ट्रेड के बेसिस पे नहीं डिसाइड करेंगे, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मूविंग एवरेज वर्सेस MACD प्रोफेशनल की स्ट्रेटजी का कंपैरिजन करते हैं, तो यार एक सिमिलरिटी मुझे यहां पे मिली। यहां पे भी आपको 2 मिनट के सिग्नल देखने को मिलेगा और द मूविंग एवरेज के साथ भी आपको 2 ही मिनट का सिग्नल वेट करने को मिलता है, मतलब 2 ही मिनट का सिग्नल मिलता है। तो ये एक सिमिलरिटी को छोड़ के मुझे सारी चीजें अलग देखने को मिली है, वो बताता हूं आपको। यहां पे इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप एक ट्रेड लेते हैं तो आपको एवरेजली वेट करना पड़ता है कितना, सोचिए भाई थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, 25 से 30 मिनट। जी हाँ, मतलब एवरेज वेट की बात करता हूं तो वो आपको 20 से 25 मिनट करना पड़ेगा, जहां अगर मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं तो वहां पे 5 से 7 मिनट हमको ज्यादा से ज्यादा वेट करना पड़ता है एक सिग्नल के लिए। तो यहां पे मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की बात करता हूं, फर्स्टली जब मैंने इसे यूज किया था तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। एक सिग्नल के लिए जब मुझे वेट करना पड़ता है ज्यादा, भाई बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, और अगर वो वेट करना वर्थ होता है तो भाई बहुत अच्छी बात है। मतलब अगर मुझे इतना वेट करके एक पॉजिटिव ट्रेड मिल जाती है तो आई बिलीव कि वो ट्रेड बेकार नहीं है, वो 20 मिनट 25 मिनट वेट करना बेकार नहीं है। लेकिन अब मैं बात करता हूं ओवरऑल ट्रेड के परसेंटेज का। परसेंटेज मतलब कि मैंने जितनी भी ट्रेड ली है, मैंने बहुत सारी ट्रेड ले ली है MACD प्रोफेशनल को यूज करके, क्योंकि यार मुझे तो पसंद नहीं आई थी इतना ज्यादा वेट करना, लेकिन मुझे लगा कि भाई ट्रेड लेता हूं बहुत सारी फिर ही आपको बता पाऊंगा इस स्ट्रेटजी के बारे में कि भाई विनिंग रेशियो कितना है। तो बहुत सारी ट्रेड लेने के बाद, भाई मैंने काउंट नहीं किया लेकिन बहुत सारी ट्रेड ली है, तो इतनी सारी ट्रेड लेने के बाद जब मैंने उनका विनिंग रेशियो कैलकुलेट किया तो वो बनता है 50% का, मतलब एवरेज बता रहा हूं, नियर बाय 50%, ठीक है। तो यार 50% का विनिंग रेशियो, यानी कि अगर आप हारते हो 50-50% चांसेस हो जाएंगे आपके हारने के और जीतने के, तो यहां पे आपका अल्टीमेटली लॉस होता है। कैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर आप कोई ट्रेड विन करते हो तो आपको मैक्सिमम परसेंटेज मिलता है 90 या फिर 82-90, है ना, और अगर आप वही ट्रेड लॉस करते हो तो आपके पॉकेट से कितने पैसे जाते हैं, टोटल 100% अमाउंट,
ठीक है। तो यहां पे अगर आप 5 ट्रेड विन करोगे और 5 ट्रेड लॉस करोगे, ठीक है, 5 जीतोगे 5 हारोगे, तो 10 में से बता रहा हूं, तो आपको अल्टीमेटली लॉस होगा। तो 50% रेशियो देने का मतलब क्या है, पहले बात तो मुझे ये समझ नहीं आया, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि ये स्ट्रेटजी के लिए, क्या मैं $2,000 इन्वेस्ट करूं, तो भाई मेरे हिसाब से फिर आपको नहीं करने चाहिए। अगर आप सिर्फ इस स्ट्रेटजी के लिए आप एक्सपर्ट लेवल का स्टेटस लेना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी वो आपके लिए वर्थ नहीं रहेगा। और देखो ये जो लास्ट ट्रेड है हम लॉस कर गए, देखो मैंने, अब जैसा कि आपको मैंने बताया था, उस ट्रेड के बेसिस पे हम जज नहीं करेंगे कि भाई कि ये जो स्ट्रैटेजी है में दम है या नहीं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है मुझे ज़्यादा खास पसंद नहीं आई है, और मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि इस स्ट्रैटेजी के लिए आप $2,000 इन्वेस्ट करो। अगर आप करते हो तो और कुछ चीज़ों के लिए करो भाई, एक्सपर्ट लेवल के और बहुत सारे फायदे हैं, रिस्क फ्री ट्रेड मिल जाती है, मैक्सिमम परसेंटेज मिल जाता है, उस बेसिस पे अगर आप करना चाहते हो तो एक्सपर्ट लेवल लो, ठीक है। लेकिन यार अगर आप यूज करना चाहते हो MACD प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी और सोच रहे हो कि भाई एक्सपर्ट लेवल का स्टेटस ले लूं, $2,000 इन्वेस्ट कर दूं, तो यार वो वर्थ नहीं रहेगा, सीरियसली नहीं रहेगा। और अगर आपके पास $2,000 है तो भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा स्ट्रैटेजी यूज करो, करना चाहते हो तो कर लो यार, ठीक है। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात करता हूं द मूविंग एवरेज वर्सेस दिस, तो मूविंग एवरेज में आपको जो सिग्नल स्ट्रेंथ मिल रही थी, मतलब इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो वहां पे आपको इससे बेकार मिल रही थी। मतलब एक चीज अगर कंपैरिजन की बात करते हैं, दोनों में से मैं ज्यादा किस में विन किया हूं, ठीक है, मतलब तो मैं MACD प्रोफेशनल को हायर रखना चाहूंगा, मतलब कुछ नंबर्स इसको जरूर मिलेंगे। MACD प्रोफेशनल की जो स्ट्रैटजी है वो काफी हद तक बेटर है, इंप्रूव्ड है जो मूविंग एवरेज की स्ट्रैटजी है उससे, मतलब ये दोनों के दोनों एडवाइजरी में ही आती है, तो ये दोनों से बेटर है। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कहां से जाएंगे, तो ऊपर देखेंगे ऑप्शन दिख रहा होगा ए, यहां पे एडवाइजर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको दिख जाएंगी तीनों स्ट्रैटजी, ठीक है। तो यार मैं कंपैरिजन की बात मैंने आपको बता दी है और सारी हद तक मैंने आपको चीजें समझा दी है, अगर आप यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो नहीं करें, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे तो ये स्ट्रेटजी यूज करके कोई मजा नहीं आया। अल्टीमेटली अगर द मूविंग एवरेज वर्सेज MACD प्रोफेशनल की बात करता हूं, तो ऑफकोर्स MACD प्रोफेशनल कहीं ना कहीं ऊपर रहता है क्योंकि इंप्रूव्ड है। अगर आपको $2,000 इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, उसके बाद आपको स्ट्रैटजी मिल रही है, तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो बात उसमें जरूर होगी, तो ये चीज नोटिस करने वाली है। अगर इस चीज को छोड़ दो, निकाल दो, तो बाकी कुछ भी ऐसा मुझे नहीं लगा कि MACD प्रोफेशनल में दम है। इतनी ज्यादा जो है ट्रेड्स लेने के बाद भी उसका विनिंग रेशियो जब एक लेवल पे नहीं आ पाता है तो मजा नहीं आता यार। आप 25 मिनट एक सिग्नल के लिए वेट करोगे लेकिन आपको वो सिग्नल उस हद तक नहीं मिलेगा, उस लेवल का नहीं मिलेगा जो आपको प्रॉफिट करा के देगा, तो यार एक फ्रस्ट्रेशन लेवल आ जाता है ना, बढ़ जाता है कि यार 25 मिनट तक वेट किया, मोबाइल की तरफ देखते रहे लेकिन जो सिग्नल मिला वो काम का ही नहीं मिला, तो यार उस फ्रस्ट्रेशन लेवल में ना क्या होता ना बंदा को, मतलब इंप्रेशन ही सारा खराब हो जाता है। और वही चीज हमें जो सिग्नल मिलता रहे एक एक दो दो मिनट में मिलेगा, जैसे कि हमें तो मूविंग एवरेज के साथ मिलता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है चल भाई इस सिग्नल में नहीं तो नेक्स्ट सिग्नल में विन करेंगे, जबकि द मूविंग एवरेज की जो विनिंग रेशियो है वो 30-40% ही मिलता है, लेकिन यहां पे 50% आपको एवरेजली देखने को मिलता है, अल्टीमेटली काइंड ऑफ अ लॉस ही है। बाकी देखेंगे यार गाइज, मैंने जो कंपैरिजन है वो आपको करके दिखा दिया है, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, लाइक कमेंट शेयर आपने कर दिया होगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग में ना सजेशंस हैं, फीडबैक हैं, तो भाई जरूर कमेंट में शेयर किया करो, और भाई लाइक टारगेट तो आप पहुंचा दो भाई, आज तो कर ही दो क्योंकि यार $1,000 का लॉस हो गया भाई। कोई बात नहीं, देखो आप लोगों को दिखाने के लिए आज से पहले भी काफी सारे लॉसेस किए हैं, चीजों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि किस हद तक चीजें सही है किस हद तक नहीं है। चलिए गाइस मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।